बंगाली दही माछ बनाएंगे आज हम। उसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो के करीब कातला मच्छी ले ली है, कट की हुई है ये। अब हम इसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के और अच्छे से रगड़ देंगे। देखिए पहले हम इस पर नमक रगड़ रहे हैं, फिर उसके बाद हल्दी भी लगा के रगड़ देंगे। अब हल्दी लगा देंगे इसको। आधा चम्मच के करीब हल्दी बहुत होती है ये लगा के। और अब इसको हल्दी को भी दोनों तरफ से अच्छे से रगड़ देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से लग जाए। किसी एक में ज्यादा लग गई तो अब जैसे आप देख सकते हैं एक में ज्यादा लग गई तो दूसरे में उसी के ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए सब तरफ से अच्छे से रगड़ दी है और अब हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होना रख देंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तब तक हम बाकी मसाले की तैयारी कर लेंगे यहाँ पर। तो अभी इसको हम ढककर मैरिनेट होना रख देते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम प्याज लिए हैं। देखिये एक एक प्याज को हमने 4-4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, तो ये 8 टुकड़े हैं मेरे पास। 1 इंच अदरक है जिसको हमने ऐसे काट लिया छील के। 3 हरी मिर्चें हैं जिसको एक एक मिर्च को 3-3 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। इसको अब मैं मिक्सी के जार में डाल के और इसका मसाला बना लूंगी। पीस लेंगे इसको हम, अच्छे से इसका मसाला बना लेंगे। मसाला पीस गया है देखिए हमारा। और अब मेरे पास ये 1/2 कप जितनी दही है इसको भी हम सेम ही उसमें जार में पीस लेंगे। अभी मैंने जार को धोया नहीं है, इसी में डाल के इसको पीस के निकाल लेंगे दही को। थोड़ा सा ही चलाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं चलाना। अब इसको भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे या फिर ऐसे ही रहने देंगे, बाद में डाल देंगे। देखिए ये पिस गई अच्छे से। अब हम 5-7 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि अभी 10 ही मिनट हुए हैं हमें इसको रखे हुए मैरिनेशन के लिए। 5-10 मिनट के बाद हम आकर इसको बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट और हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे शेलो फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये अभी जब हीट हो जाएगा थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, इसका लाइट हो जाएगा और धुआं छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें फिश डाल के शेलो फ्राई करेंगे। तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें नहीं डाला क्योंकि इसके बाद इसी ऑयल को पूरी तरह से यूज कर लेंगे हम फिश बनाने के लिए। तो 2 कड़छी जितना मैंने इसमें तेल डाला है और फिश हम 1 की जगह 2 लॉट में कर देंगे फ्राई। तो अब इसको गर्म होने देते हैं फिर हम फिश फ्राई करते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, आपको धुआं भी है देखिए दिख रहा होगा ऊपर निकलता। तो मैं अब सेक मीडियम कर दे रही हूँ, मीडियम लो, क्योंकि इसको मीडियम लो पे ही शेलो फ्राई करना है। और फिशेस के जितने टुकड़े इसमें आते हैं डाल दूंगी। एक बात का आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये फिश है ये बहुत ज्यादा फ्राई नहीं होनी चाहिए, यानी कि एकदम से लाल नहीं हो जानी चाहिए,
ब्राउन करेंगे हम, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे दोनों तरफ से पलट पलट के। 8 पीसेस थे मेरे पास, 4 पीसेस मैंने अब डाल दिए हैं और 4 फिर बाद में डाल देंगे। तो इसको होने देते हैं। देखिए ये लाइट लाइट सी ब्राउन हो गई है, हमें ऐसी ही चाहिए। तो अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे कर लेंगे और फिर इसको किचन टॉवल से निकाल लेंगे। तो बाकी के कुछ हिस्से डाल लेंगे। दूसरी साइड से भी हो गई है तो हम इसको अब एक प्लेट में किचन टॉवल पे निकाल रहे हैं ताकि एक्सेस ऑयल भी निकल जाए इसका। ये देखिए ये हो गई है, अब हम बाकी के पीसेस भी कर लेंगे। ये बाकी के पीसेस भी जब हो जाएंगे तो फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए एक और तरीका दिखा रहे हैं हम आपको डालने का, ताकि ये बिल्कुल फिर ना करे और आपके ऊपर तेल भी ना उड़े। इस तरीके से आप फ्लिपिंग कर सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं और फिर हम आगे बनाना शुरू कर लेते हैं। फिश कर दी हमने और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है खाली 2 टेबलस्पून जितना बचा है और गैस अभी भी ऑन है थोड़े कम सेक पर ही, क्योंकि मिर्ची है इस मसाले में और वो जलेगी इसलिए हम कम सेक पर इसको बनाएंगे। तो ये मसाला मसाले से पहले हमने सॉरी कुछ चीजें और डालनी है। ये देखिए एक तेज पत्ता है, ये मेरे पास दालचीनी है, 3 लौंग है और 3 यहाँ पर हरी इलायची है। हरी इलायची को थोड़ा सा हम तोड़ देंगे, थोड़ा सा कूट देंगे इसको, तोड़ दिया ऑलरेडी, तो इसको डाल देंगे, सब कुछ अंदर डाल देंगे। और जब ये तड़कने लगेगा उसके बाद फिर हम ये डालेंगे मसाले। ये देखिए तड़क गया, अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं और इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल नहीं छूटने लगेगा। तो अभी मिक्स कर देते हैं और भूनते हैं, जब आधा भून जाएगा तब हम इसमें मसाले भी डालेंगे और फिर दोबारा तेल छूटने तक भूनेंगे। अब इसको हम भून लेते हैं। देखिए ये लगभग निकलने वाला है इसमें से तेल, थोड़ा थोड़ा निकलने भी लगा है। तो अब मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, स्वाद के हिसाब से नमक, अभी खाली मसाले के लिए डालूंगी, बाद में ग्रेवी के हिसाब से डाल देंगे। सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी, मिक्स कर देंगे इसको और अब तेल निकलने तक फिर से पकाएंगे। आप चाहे अगर मसाला ज्यादा तीखा हो रहा है और छीके आने का खतरा है तो आप 2-4 बूंदे पानी पे डाल के इसको पका सकते हैं। ये देखिए तेल वेल सब निकल रहा है, देखिए साइड से तेल निकलता जा रहा है और ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये सारी दही अच्छे से निकल आए, थोड़ा सा पानी डाल के भी हिला देंगे। हम अभी टेस्ट कर देंगे इसको, एक बॉईल देंगे उसके बाद इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे।
इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे हम पहले, हिलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बॉईल आ गया अच्छे से। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी आधा चम्मच और जीरा पाउडर डालूंगी आधा चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे, अगर जरूरत होगी तो थोड़ा और भी डाल देंगे चावल के साथ, क्योंकि खाना है तो कम नहीं पड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, 1/4 कप और पानी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, ये मेरे पास 1/2 कप है तो इसका भी 1/2 डाल रही हूँ, तो 1/4 कप और 3/4 कप पानी हो गया इसमें। और इसको अच्छे से अब मैं बॉईल आने दूंगी। जब बॉईल एक बार आ जाएगा अच्छे से तो उसके बाद फिर हम इसमें मच्छी डालेंगे। एक दो बॉईल आने देंगे अच्छे से, नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो डाल लेंगे। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक डाल लेंगे, क्योंकि दही डाली है, पानी डाला है तो नेचुरली नमक थोड़ा कम हो ही जाएगा। हमने उस टाइम मसाले के लिए डाला था और मच्छी में खाली मच्छी के हिसाब से डाला था। सेक टेस्ट कर दिया है मैंने, बॉईल आने दूंगी इसको। ये देखिए बॉईल आ गया, तो अब हम इसमें मच्छी के पीसेस डाल देंगे। थोड़ा मीडियम सेक पर करेंगे अब इसको और ढककर पकाएंगे जब तक कि मच्छी पक नहीं जाती। मिक्स कर देंगे एक बार डाल के, ताकि सारा का सारा मसाला ग्रेवी मच्छी को ऊपर से नीचे तक लग जाए। आप चाहें तो मिक्स करने की जगह सिर्फ चम्मच से उसके ऊपर सारा मसाला डाल सकते हैं मच्छी के ऊपर, या मच्छी को एक किस्म से डुबो सकते हैं पानी में। ये देखिए ये हो गया। अब मेरे पास ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बीच में से पेट से खाली थोड़ा सा स्लिट किया है, ये भी डाल दूंगी मैं इसमें बीच में। और अब इसको मीडियम सेक पर ही ढककर पकाएंगे तब तक जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता सारा। तो ढक देते हैं हम और वेट करते हैं इसके तेल के ऊपर आने की। देखिए तेल सारा ऊपर आने लग गया है, इसका मतलब ये बन गई है। मैं इसके ऊपर धनिया डाल देती हूँ और इसको हम चावल बनाएंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो हम आपको इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं, अभी हम डिश आउट नहीं कर रहे क्योंकि दोबारा हो सकता है हमें गर्म करना पड़ जाए। तो ये दही मार्च तैयार है हमारा, आप भी इसको बनाइए खाइए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, और बताइए हमें कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी और डिश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।